हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिव्यू ऑन मोटो E4। अभी मैंने आपको अनबॉक्सिंग का वीडियो दिखाया था, उसमें बताया था कि कैसे मोबाइल मैंने अनबॉक्सिंग की थी, क्या क्या इसमें चीज़ें आती हैं। और अब इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसा इसका फ़ोन कैसा है, कैसे क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, अगर आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। अगर आपने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन की लिंक में दे रखा है, आप चाहे तो इसको यहाँ से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फोन में बताते हैं क्या क्या चीजें निकली थी, वो तो आपको मैंने बताई दी है। अब शुरू करते हैं कि फोन में कैसा क्या चलता है। कुछ इस तरह इसका कवर है फोन का, मैंने दिखा देता हूँ आपको क्या है इसका कवर वगैरह। कुछ इस तरह है जो फोन है वो दो कलर में अवेलेबल है, ग्रे कलर में, गोल्ड कलर में अवेलेबल है। तो मैंने जो अपना वाला जो मॉडल है वो ग्रे कलर का है। इसमें आपको 5 इंची का एक HD डिस्प्ले मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि मोबाइल की हाइलाइट्स हैं वो इस फोन की वो ये हैं। और 8 और 5 जो रियर सेल्फी कैमरा है, साथ में 5 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का इसका रियर कैमरा है। क्वाड कोर प्रोसेसर है, एक्सपेक्ट किया था कि ऑक्टा कोर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन चलिए देखते हैं कैसा क्या इसका परफॉर्मेंस है। और कुछ नहीं है ज़्यादा इस बताने के लिए, अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसमें आपको एक फ़ोन मिलेगा, फ़ोन डायरेक्ट ऑन नहीं होने वाला क्योंकि इसकी बैटरी रिमूवेबल है। इसके साथ आपको ईयरफोन भी मिलता है, डाटा केबल मिलती है, बैटरी मिलती है और चार्जर मिलता है। चार्जर मैं आपको बता दूं 1 एम्पीयर का चार्जर है, तो काफ़ी ठीक है, ये भी कहेंगे फास्ट है लेकिन ठीक है, एवरेज है, ऑन एन एवरेज 2800 mAh की आपको यहाँ बैटरी मिलती है। देखते हैं वो तो पता पड़ेगा कि परफॉर्मेंस इसकी क्या रहती है इसकी। वैसे कि ये G5 में भी यही बैटरी यूज़ किया गया है, लेकिन इसका थोड़ा स्पेसिफिकेशन थोड़ा डिफरेंट थे। चलिए इसको ओपन करते हैं, कहाँ से ओपन होगा, ये यहाँ से बेसिकली ओपन होने वाला है। थोड़ा सा ये उन्होंने अच्छा खासा नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी खुल गया फोन। अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। मेटल की ये दिए, ये जो पीछे का जो बैक कवर है ये मेटल का है, तो ये एक अच्छी बात है कि मेटल कंपनी ने यूज़ किया है। बात करते हैं फ़ोन में, फ़ोन में यहाँ आपका लग जाता है माइक्रो SD कार्ड ऊपर की साइड, नीचे लग जाती है SIM 1 और यहाँ लग जाती है SIM 2। तो आगे देखते हैं इस फ़ोन में क्या क्या है, पहले चला के देखते हैं बिना सिम कार्ड के। बैटरी मैंने यहाँ लगा दी इसमें और इस फ़ोन को मैं अब करने जा रहा हूँ ऑन। ये आपको मोटो का सिंबल मिलेगा, पावर्ड बाय एंड्रॉयड। हो सकता है कैमरे में आपको क्लियर नहीं दिखे, लेकिन ये स्काई ब्लू कलर की है पूरी स्क्रीन और आवाज़ भी करता है। फ़ोन लगने में काफ़ी डिसेंट है, अच्छा फ़ोन है, लुकिंग भी अच्छी है इसकी, और वेट जो कि है बहुत ही कम है वेट, तो काफ़ी अच्छा है हम लोगों के लिए और जो इस फ़ोन को यूज़ करना चाह रहे हैं। लैंग्वेज मैंने इंग्लिश करी है, रीज़न जो हम चुनेंगे वो चुनेंगे इंडिया। तो इसमें इंडिया नहीं मिल रहा है जी, लिए इंडिया ऊपर ही दिया गया है। इंडिया के साथ साथ इसको अगर हम ओपन करेंगे, अब लेट्स गो सेटअप एज अ न्यू करेंगे। फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट होने के लिए कह रहा है, तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम बाद में अगर करते हैं तो देखते हैं कैसे क्या चल पाता है, ये एक्सेप्ट करते हैं, बाद में हम वाईफाई वगैरह इसका कनेक्ट करके चेक कर लेंगे कैसा है फ़ोन। कोलकाता सही है, 1 जनवरी अगर ये डेट शो कर रहा है तो इसको हम देख लेते हैं, वरना ये आगे चल के अपडेट हो जाएगा अपने आप। तो अगर नेक्स्ट कीजिए, नेम आप कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ हम लिख देते हैं मांशु शर्मा। आगे बढ़ते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर ऐड कर सकते हैं आप। फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर पैटर्न के साथ, फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि है पिन के साथ, या फिंगरप्रिंट पासवर्ड के साथ। मैं पिन के साथ यहाँ जाना चाहूँगा, पिन मैं यहाँ डाल देता हूँ 1234। नेक्स्ट करेंगे, अगेन कंफर्म करने के लिए 1234 डालेंगे और ओके कर देंगे।
नेक्स्ट करते हैं, फिंगर लगाने को कह रहा है तो हम फिंगर लगाते हैं अपनी। नेक्स्ट करता हूँ और अब कुछ इस तरह मैं अपनी फिंगर्स को इसके साथ सेट कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, फिंगरप्रिंट इसमें सेट हो चुकी है। नेक्स्ट करेंगे और ये फ़ोन अब स्टार्ट हो चुका है। आईडी वगैरह भी मांगेगा ये। ऑल सेट करके हम इसको ऑन कर सकते हैं। नो थैंक्स करेंगे और फ़ोन इज़ रेडी टू यूज़। अब हम इसमें चेक करते हैं क्या क्या बेसिकली फ़ीचर्स दिए गए हैं मोटो द्वारा। इसको पहले मैं बंद करता हूँ और चेक करता हूँ कि इसकी कितनी जल्दी ये ओपन होता है फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। पहली बार में ये शायद मांग रहा है, इस वजह से कह रहा है। एक बार फिर हम ट्राई करते हैं। फ़ोन को मैं अच्छा खासा रिस्पॉन्स टाइम है फ़ोन का, फ़ोन जो कि काफ़ी अच्छा है। ऐप्स भी अभी काफ़ी कम हैं इसमें। जो इसमें हाईलाइट जो किया गया है वो ये है कि सेल्फी फ्लैश इस फ़ोन में दिया गया है। साथ में रियर में भी आपको इसमें डुअल फ्लैश मिलता है, लेकिन इसमें मैं देख रहा हूँ कि सिंगल फ्लैश है। डुअल फ्लैश आपको मोटो G5 S+ में मिलता है। तो आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या फ़ीचर्स हैं। इसमें बात करते हैं, पहले हम सेटिंग्स में जाके इसको चेक करते हैं कि इसके क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इसमें। सिम पहले मांग रहा है, हम सिम में ना जा करके इसके एंड में जा करके अबाउट फ़ोन में जाएंगे। तो ये एक अच्छा खासा किया काम मोटो ने कि 7.1.1 जो है इसका लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है। मुझे नहीं लगता ये ओरियो में जाएगा, लेकिन अगर ये इतना लेटेस्ट मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा है फ़ोन। E4 इसका मॉडल है और बाकी कुछ ज़्यादा इसमें जानकारी देने को है नहीं। बाकी सब आप लोगों को पहले ही से मैंने डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो में दे रखा है। स्टेटस देख लिया जाए तो फ़ोन में ये इसकी कनेक्टिविटी वगैरह चीज़ें बताई गई हैं, सॉफ्टवेयर बताया गया है। आप एंड्रॉयड भी चेक कर सकते हैं, 9.8 है, फिर कोई बात ही नहीं है। मतलब अच्छा फ़ोन है, डिसेंट फ़ोन है, फ़ोन की लुकिंग भी अच्छी है। कैमरे की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे सबका हाईलाइट बनाया कि कैमरा कैसा होगा इसका। तो हम देख लेते हैं इसमें, यहाँ पे देखते हैं कैसा क्या इसका कैमरा यूज़ कर सकते हैं। अलाउ करते हैं तो कैमरा बहुत डिसेंट अच्छा लग रहा है कैमरा देखने में। और आप देख सकते हैं ये चदरे के जो रेशे हैं वो भी दिख रहे हैं। तो ये मतलब ऑटो फोकस बिना करे ही अपने आप काम कर रहा है इतना अच्छा। तो कह सकते हैं कैमरा अच्छा है और आप इसको और भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपको कैमरे में जितना अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन काफ़ी अच्छा है ये फ़ोन। अब मैं आपको इसकी कुछ पिक्स खींच के बताता हूँ कि कैसा क्या है। अगर हम इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा भी काफ़ी डिसेंट है, रियर भी अच्छा है इसका। रियर मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, रियर हो भी क्यों ना, क्योंकि रियर जो कैमरा दिया गया है इसमें वो 8 मेगापिक्सल का है साथ में, और कुछ इसमें फास्ट फोकस ज़रूर है फ़ोन में, जो कि मैंने अभी चेक नहीं किया है, इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ कि फ़ास्ट फोकस है कि नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है फ़ोन। अब मैं आपको कुछ पिक्स बताता हूँ इसकी खींची हुई फ्रंट कैमरे से, बिना सेल्फी के साथ, और देखते हैं कैसा है फ़ोन।